नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पेट्रोल और डीजल के दाम में शनिवार को लगातार 14वें दिन वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 51 पैसे जबकि डीजल 61 पैसे महंगा हो गया है। इस बढ़त के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 78 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई है तो वहीं डीजल 77 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर के भाव पर है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को नई जिम्मेदारी मिली है। दरअसल उर्जित पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। उर्जित पटेल से पहले इस पद पर विजय केलकर थे। आरबीआई की पाबंदी झेल रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए एक बुरी और एक राहत की खबर है। दरअसल रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर लगे प्रतिबंध को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपनी रजिस्ट्री को यह स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है कि शराब कारोबारी विजय माल्या को अवमानना का दोषी ठहराने के 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए उसकी याचिका 3 साल तक सूचीबद्ध क्यों नहीं हुई। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज अब कर्ज मुक्त कंपनी बन गई है। अहम बात यह है कि कंपनी ने डेडलाइन से करीब 9 महीने पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।